का दिन है क्योंकि आज मैं दो इम्पोर्टेंट, एक तो मूवी के गानों के बारे में बताने जा रही हूँ आपको और एक एल्बम के बारे में। और मूवी के गानों के बारे में कि हमारी एक पिक्चर है, इसका नाम यकीन है, वो यूनिटी इंटरनेशनल से वो रिलीज़, मतलब वो बन रही पिक्चर, उसमें मैंने गाए हैं गाने शान के साथ, जावेद अली के साथ और सोलोज, और उसको लिखा है नैनी काजमी ने जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, और बहुत ही अच्छा मेलोडियस म्यूज़िक अफरोज़ खान साहब ने दिया है। किस तरह के गाने हैं इसमें और किस तरह का मूड है सारे गानों के बाद रोमांटिक, जो शान के साथ गाना है बहुत ही रोमांटिक और जैसे 70s 80s के खूबसूरत गाने थे उस तरह का है, और जावेद अली के साथ थोड़ा सूफी वाला गाना है। तो कितना मजा है आपको सूफी गाने का आखिर? बहुत आनंद आया, और इतने बड़े कलाकार जावेद जी और शान जी इतना अच्छा गाते हैं कि उनके साथ गा के बहुत खुशी हुई। किस तरह की फिल्म है ये जो है यकीन, जो उसको एक कहीं ना कहीं फिल्म को देखकर ही गाना बनाया जाता ये है? थोड़ा फ्रीडम फाइटर, आई मीन एक स्टोरी है, वो स्टोरी लाइन आपको अभी बताएंगे नैनी काजमी, तो उस पर बन रही है, तो लेकिन उसमें बीच में होता है रोमांटिक भी और उस पर भी सीन आएंगे तो उसके हिसाब से गाने गाए हैं। यानी आप आप यूएसए से बिलोंग करते हुए आपको हिंदुस्तान में दो अवार्ड मिले हैं, एक जी यूपी रत्न और एक दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जी जी तो इसके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। जब यूपी रत्न मिला था तो इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, और अभी जो मिला है ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ के लोग आए थे वहाँ पे, उनके बीच में सम्मान मिला और देश विदेश में हमारा गाना चला गया, एक तरह से पॉपुलरिटी उसकी पहुंच गई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बिल्कुल ये क्या कहना चाहेंगे? आप विदेश में रहकर भी अपने गानों पे गुनगुनाते हैं, अपने हंड्रेड गाने गाते परसेंट जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, हमेशा मैं ऐसे शुरू करती हूँ। और वही परंपरा निभाते हुए आपने वहाँ पे एक स्कूल भी चालू जी रखा हुआ है, तो उसके बारे में जरा बताइए। मैंने यूपी गवर्नमेंट ने मुझे जो टाइटल दिया था कल्चर एम्बेसडर ऑफ यूपी इन अमेरिका, तो उसको मैंने कायम रखा है। वहाँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े सब हमारे साथ सीख रहे हैं, और उनको सबसे पहले तो हम श्लोक सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, और सब सिखाने के बाद क्लासिकल सिखाते हैं, और फिर उनको परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं। तो एक पूरा जो अपना भारतीय संस्कृति और कल्चर है उसको मैं वहाँ प्रमोट कर रही हूँ। आई थिंक फंक्शन होते हैं उसमें जो पुराने गानों में कितनी भीड़ जमा होती है और कैसे कितना एंजॉयमेंट करते हैं आप उसमें जब बहुत, शोज वगैरह हाँ रहते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ जब हम शोज़ करते हैं तो मैं बताना चाहूँगी वहाँ लोग शायद ज़्यादा पुराने गानों को प्यार से सुनते हैं और ज़्यादा हिंदी हमारे हिंदुस्तानी कल्चर को मानते हैं, यहाँ से भी ज़्यादा मैं वहाँ देखती हूँ। तो पुराने गानों का और नए गानों का मिश्रण करके मैं शो में प्रस्तुत करती हूँ और नए नए सिंगर्स को भी उसमें चांस देती हूँ, तो मतलब एक तरह से सिंगर्स को भी एक अच्छा मार्केट मिल जाता है। एक लाइन क्या है गाने की जो आपने इसमें गाया है, सुनाएंगे? तुमको देखा तो दिल गुनगुनाने लगा, मुझे भी वर्ड्स पूरी याद नहीं है, सॉरी। अगर बात करें इसके अलावा और क्या-क्या प्रोजेक्ट हैं आपके रनिंग में अभी? मेरे रनिंग में प्रोजेक्ट है, एक तो हम मैं सिर्फ फिल्मी गाने नहीं गाती हूँ, भजन वगैरह भी बहुत गाती हूँ, तो एक हम लोग भजन का सीडी भी रिलीज़ कर रहे हैं, जय माँ भवानी, और माता के भजन हमारी नैनी जी ने लिखे हैं और वो भी बहुत जल्दी बस मार्केट में आने वाले हैं। और इसके अलावा सुरेश वाडेकर जी के साथ मैंने गाया है, वो कंप्लीट होने वाला है कभी आपने आशीर्वाद। सोचा मैम कि इंडिया में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है कभी आपने सोचा कि जो गाने जो हैं यहाँ पे कला है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? नहीं, मैं सोचती हूँ कि आजकल जो विदेश में NRIs हैं वो बहुत कुछ इंडिया से कनेक्टेड हैं, शायद वहाँ रह के ज़्यादा सेवा कर पा रहे हैं देश की, मेरी ओपिनियन में। तो अब ग्लोबल हो गया है तो कोई दूर नहीं है, दुनिया सब एक हो गई है, तो अगर हम यहाँ की मतलब जो कल्चर है उसको हम दुनिया में उसको प्रचार करें तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? ऑलवेज लता जी, लता जी को क्यों? बचपन से इतनी वर्सेटाइल सिंगर तो कोई हो ही नहीं सकती, मतलब जो बॉर्न 3 साल की उम्र से और 90 साल तक क्या आवाज़ है। अभी उनका एक गाना मैंने सुना तो बस मेरे रोंगटे खड़े हो कौन गए। सा गाना? कोई नया गाना लास्ट उन्होंने रिकॉर्ड किया मराठी में, सुना मैंने तो बस सुन के ही पता चल गया कि इसे कहते हैं सरस्वती माँ। कौन सा गाना जो आपके दिल पे दिमाग पे हमेशा घूमता रहता है एक लता जी का? लता जी का एक नहीं कई कौन सारे सा गाना गाने, है जो दिल के काफी करीब है, जो पूरा लग आपको? जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो,
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. वन ऑफ द सॉन्ग्स. हर किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी पूरा भी हो रहा है, अच्छे अच्छे सिंगर साथ में गा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली अभी मैं एक्चुअली मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तो गुलाम अली साहब के साथ गाने का था, लेकिन वो आजकल गा नहीं रहे. जगजीत सिंह के साथ था, वो चले गए, तो वो तो अब जाने दीजिए. अब जो प्रेजेंट है उनके साथ ही मैं, अनूप जलोटा जी के साथ तो मैंने कई एल्बम्स किए. मुन्ना भाई जो है भी नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अरे बस पूछे नहीं. मैंने अमेरिका में जब मैं पहुंची तो पहला शो उनके साथ किया, और मैं से मीना सेना सब उनके गाने तैयार करके स्टेज पे खुदा गवाह वगैरह गाया, तो मुझे तो बहुत ही दुख हुआ उनकी डेथ का. सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिन्होंने सबकी लाइफ बनाई, एक एक स्टार जो आज खा कमा रहे हैं उन्हीं की वजह से, जो उनकी लाइफ का पहला गाना गाया, फिल्म का, कैरियर का, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी मैयत पर कोई जाने वाला नहीं बना. अच्छा, ऐसा तो नहीं. चढ़ते सूरज को सलाम देंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बात सही है बिल्कुल, लेकिन मुझसे तो जितने भी म्यूजिशियंस लोगों से बात हुई थी, सिंगर पहुंचे वहां पे या अच्छा, उसके फैंस पहुंचे हैं, क्या फिल्म स्टार कोई नहीं पहुंचा? पहुंचना चाहिए था बिल्कुल. उन्होंने तो कितने, अनिल कपूर, गोविंदा, अरे सबकी हिट फिल्में उन्होंने दी. राम लखन के जो बेस्ट सॉन्ग्स हुए, कोई ऐसी फिल्म नहीं. नहीं तो दुख की बात है. हमें गायक कलाकार को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना फिल्म एक्टिंग वाले कलाकारों को हम देते हैं, क्योंकि देखिए जो गायक है वो तो अपनी आवाज़ देके आपके गानों को हिट करता है, पिक्चर को हिट करता है. आप नोट करिए, पहले जो गाने बनते थे तो गानों पे ही पिक्चर चलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, उनको कोई याद नहीं किया जाता. नहीं, सही कह रहे हैं. के 100 साल होने के बाद भी कोई गलती से कॉल भी नहीं आता था कि आप आ जाइए, भीड़ का हिस्सा भी नहीं बनने देते. बहुत दुख की बात है. एक्चुअली मैं यहाँ पर क्योंकि नहीं रह रही हूँ, अगर मैं और यहाँ होती तो 100%, बल्कि हमारी जो नैनी है उन्होंने उनको गवाया भी है साथ में, और हम प्लान कर रहे थे कि मुन्ना जी साहब से मिलेंगे और एक शो उनके साथ करेंगे यूएस में. क्या फैन फॉलोइंग है मुन्ना जी की वहाँ पर? क्या थी? बहुत पसंद किया था लोगों ने, बहुत. जब वो आए, जब भी वहाँ आए लोगों ने बहुत पसंद किया उनको, मतलब ही वॉज ए हिट, नो डाउट. और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से आप? मैं कहना चाहूँगी कि जो आजकल संगीत चल रहा है अच्छा है, वो भी मैं नहीं कहती, मॉडर्न म्यूजिक को हमें लाइक करना चाहिए, लेकिन जो हमारा हिंदुस्तानी जो पहले की जो कहना चाहिए क्लासिकल म्यूजिक है, या जो सही मायने में पहले जो लफ्ज़ होते थे, जो शायरी होती थी, उसको दोबारा से लाना चाहिए संगीत में, वो मेलोडी वापस आनी चाहिए, यही कहना चाहूँगी. परिचय, आपका नाम? जी, मेरा नाम नैनी काजमी है और मैं यूनिट इंटरनेशनल फिल्म एंड म्यूजिक की डायरेक्टर हूँ और ऑनर हूँ. यकीन जो है, किस तरह की फिल्म है, इसके बारे में बताइए. जी, यकीन है कि एक ऐसी फिल्म है कि इसमें जो मेन करेक्टर है हीरो का, उसके इर्द गिर्द फिल्म घूमती है. ये करेक्टर ऐसा है, एक एग्रेसिव किस्म का करेक्टर है, जो एक क्रांतिवीर है, और जिसे यकीन है कि सिस्टम के खिलाफ जो उसकी जंग चल रही है उसमें एक दिन वो कामयाब ज़रूर होगा. और उसकी जो प्रेमिका किसी सिस्टम की वजह से गायब हो चुकी है, उसे ये भी यकीन है कि वो ज़रूर उससे आकर. जो गाने गाए हैं अलका भटनागर जी ने, फीमेल में गाए हैं, और मेल में जावेद अली ने गाए हैं, कुमार शानू ने गाए हैं, और शान जी ने गाए हैं. इसके अलावा एक एक दो नए सिंगर भी हैं, उन्हीं ने गाए हैं. इसका म्यूज़िक दिया है मशहूर डायरेक्टर अफरोज खान साहब ने, इसका म्यूज़िक किया है. बहुत ही खूबसूरत गाने बने हैं. क्या उम्मीद है इस फिल्म से आपको कि इतने अच्छे गाने हैं और मूवी है? जी हाँ, ये गाने देखिए, ये तो इस तरह से होता है कि जिस तरह से एक हर इंसान का एक बच्चा होता है और वो उससे उम्मीद करता है कि ज़रूर वो उसका साथ देगा, तो हमें भी यही उम्मीद है, क्योंकि ये मेरी एज ए प्रोड्यूसर पहली फिल्म है. और इसके अलावा हमारी जो म्यूज़िक कंपनी है 15-20 एल्बम रिलीज़ कर चुकी है, जिसमें हर तरह के गाने शामिल हैं, लेकिन जो हमारा फिल्म का म्यूज़िक है वो ये पहली बार रिलीज़ कर रहे हैं. और एज ए प्रोड्यूसर मैं फिल्म भी पहली फिल्म बना रही हूँ. स्टार कास्ट में हमने अनमोल काजमी को लिया है और संजना जो न्यू कमर हैं, लेकिन इसके अलावा कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जिसमें कि परीक्षित सहानी जी हैं, गुफी पेंटल जी हैं, फरीदा जलाल जी हैं और रजा मुराद साहब हैं. जी, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें कुछ भजन के, जिसमें सुरेश वाडकर जी ने गाया है, शामिल हैं. और आज हम, खुशी की बात यह है कि हम दो दो चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, दो दो एल्बम कह सकते हैं लॉन्च कर रहे हैं, एक फिल्म का एल्बम लॉन्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमने माता के गाने भी जय जय भवानी के लॉन्च कर रहे हैं, और वो जल्दी ही आप यूनिट इंटरनेशनल पे सुनेंगे. थैंक यू.
अच्छा दूसरा ये कि आपने अलका को ही क्यों चुना सिंगिंग के लिए, वो भी सिंगर थे कुछ खास? अलका जी की आवाज़ एक तो सबसे बेहतरीन और सुरीली है, लेकिन जाहिर सी बात है आर्टिस्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक जो अपनापन है, तो वो अपनापन जो एक आर्टिस्ट अगर एक अच्छा इंसान नहीं है तो शायद वो आर्टिस्ट नहीं होता, मेरा ये मानना है। और अलका जी के साथ हमारी दोस्ती आज की नहीं बल्कि 15 सालों पुरानी है, और हम कम से कम 20 से 25 एल्बम साथ में कर चुके हैं, और हमारी ये दोस्ती हम चाहेंगे यूँ ही हमेशा सलामत रहे और हम लोग कामयाबी पाएँ।